बचपन में ही उद्घटित हो गया था कि बच्चे में दिव्य शक्ति है। विषैले नाग अपने फन से छतरी बनाकर जिसकी रक्षा करते हो, वो बालक अलौकिक और असाधारण तो होगा ही ना। बोलो साई बाबा की जय, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय। दिस इज अनपार्डनेबल। यू सेड द विलेजर्स लिसन टू यू and yet you aren't able to get them here for a meeting. How will you get them to agree to the road? कहाँ मर गए सारे गांव वाले? क्या करे सरकार, कोई आने के लिए राजी ही नहीं है। अधिकांश गांव वाले उस खंडर में बैठ के खशाबा से उस फकीर की जन्म कथा सुन रहे हैं। यकीन नहीं होता ये सुनकर। कैसे मुखिया हैं आप? आपने मेरा कीमती समय बर्बाद किया है मिस्टर कुलकर्णी। अब आपको सड़क परियोजना के बारे में गांव वालों को समझाना होगा और उनको राजी भी करवाना होगा, तो ये काम आपकी जगह किसी ऐसे आदमी को दे दूंगा जो आपसे ज्यादा काबिल हो। इससे पहले कि मैं अपनी भाषा में समझाना आरंभ करूं, भाग जाओ यहां से। कधे कहीं कहे? शांत हो जाइए सरकार, शांत हो जाइए। हाँ शांत हो जाइए सरकार, आप आदेश दीजिए, हुकुम कीजिए। इन गांव वालों को अब भी उठा के लाते हैं हम। हाँ हाँ सरकार। ये सब अंग्रेज अधिकारी आने से पहले कर देना चाहिए था। उस समय के तुम लोगों की बुद्धि खास चरने चली गई थी। नहीं सरकार, बुद्धि तो यही थी लेकिन। इससे पहले मार मार के तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूं, भाग जाओ यहाँ से। भागो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और जानती है माँ, सर्पों ने अपने फन फैलाकर साईं को बारिश से बचाया। मुझे लगा था साई नाम का राहू इस गांव से और मेरे जीवन से सदैव के लिए जा चुका है, और मैं उसकी अनुपस्थिति का सदुपयोग गांव वालों को डरा धमका के अपनी बात मनवाने के लिए करूंगा। लेकिन नहीं, अब ये खशाबा उन गांव वालों के मन में अपनी कोरी कल्पना से उस पाखंडी की महानता, उसकी दिव्यता का झूठा बखान कर रहा है। उसकी विचित्र जन्म गाथा सुनाकर फिर से लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। कल सुबह सबसे पहले उसे ही शिरडी से भगाना होगा। हरिओम। साई की कहानी आगे बढ़ाते हैं। बंद करो देशद्रोह। देखिए, यही है वो इंसान जो लोगों को यहां भड़का रहा है। अंग्रेज सरकार के काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। पकड़ लीजिए इसे, बंदी बना लीजिए इसे। ये झूठ है। हम गांव वाले तो पहले से ही सड़क के विरुद्ध हैं, और क्यों हैं ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं।
ये मामूली सी बात बताने के लिए हमें खजाबा की जरूरत नहीं है कि सड़क की योजना हम सबके लिए कितनी बुरी हो सकती है। हाँ हाँ, तुम तो इसका पक्ष लोगे ही, क्योंकि ये तुम्हारे चहेते फकीर का प्रशस्ति गान जो कर रहा है। और यदि तुम लोगों को इतनी ही आपत्ति थी सड़क निर्माण को लेकर, तो मेरे वाड़े आते, मेरे साथ चर्चा करते। लेकिन नहीं, कैसे आते? इस खाशाबा ने तुम लोगों को दिन रात व्यस्त जो करके रखा है यहाँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। अच्छा, जब मैंने चर्चा के लिए बुलावा भेजा था तो क्या ये लोग यहाँ नहीं थे? क्या इन लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उस बैठक में चर्चा के लिए नहीं आना चाहिए था? क्या तुम्हारी इन लोगों के साथ सड़क को लेकर कोई बात नहीं हुई? हाँ, गांव वालों ने बताया था सड़क के विषय में। तो क्या राय है तुम्हारी सड़क को लेकर? क्या होना चाहिए सड़क के बारे में बताओ। गांव वालों की आशंका, उनका डर समझता हूं मैं। किसी का घर, किसी की दुकान तोड़ देना कहां से ठीक है? सुन लिया इंस्पेक्टर साहेब, इसके उद्गार, इसके विचार। अंग्रेज सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों के मन में संदेह को बढ़ावा दे रहा है ये। अंग्रेज अधिकारियों से लोगों को मिलने नहीं दे रहा है ये। देख क्या रहे हैं, बंदी बना लीजिए इसे। फकीर का मित्र ये सब भी जानता है क्या? या अभी भी फकीर का काला जादू काम कर रहा है यहाँ? हरिओम हरिओम हरिओम। इंस्पेक्टर साहब, काला जादू है ये, दृष्टि भ्रम है ये। देख क्या रहे हैं, बंदी बना लीजिए इसे और डालिए कारागृह में। देख ली आपने साई की महिमा? ये उसी का प्रताप है जो यहाँ ना होते हुए भी अपने शुभ चिंतक को अन्याय से बचा रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब का। द्वारका माई में दाखिल होते समय मैंने सब सुना, खशाबा ने जो कहा मैंने वो भी सुना।
वो इनका निजी मत था, इन्होंने सरकार के कहने पर व्यक्त किया था। इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि इन्होंने गांव वालों को उकसाने की कोशिश की है। हर नागरिक को अपना विचार, अपनी राय रखने का हक है। और एक अहम बात और, किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले वारंट की जरूरत होती है। क्या आपके पास है? रही खाशाबा के यहां होने की बात, तो साईं हमारे धर्म गुरु हैं और खाशाबा हमें उनकी कहानी सुना रहे हैं। ना तो ये जुर्म की श्रेणी में आता है और ना ही गैरकानूनी है। सरकार, क्या आपके पास कोई और सबूत है? क्योंकि चांदोरकर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सबूत पर्याप्त नहीं है, अदालत में नहीं टिकेगा और कोई सबूत ना होने की सूरत में हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि हमने कुछ जल्दबाजी की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी पहले। अच्छा साहब, सलाम, चलता हूँ। ये मत सोचो कि तुम लोग जीत गए, शीघ्र ही तुम लोगों को ये ज्ञात हो जाएगा कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है हमारी बात न मानकर। पछताओगे। हरिओम। जिसका रखवाला साई हो उसे भय काहे का। चलिए साई के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। के हर इंसान का चहेता बन गया था वो। दिन भर उसे देखने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता था। बस एक कमी थी, बच्चे की उम्र तो बड़ी थी लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। न माई को मां कहा, न अन्ना को बाबा। आई आई, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अभी देती हूँ माई, मैं खाना दे के आई। बेटा, तुम्हें भूख नहीं लगी? ससुराल से कब आई शारदा? कल ही आई हूँ। कल तक उसके बेटे से मिली है, कितना प्यारा और कितना मीठा बोलता है, मन करता है दिन भर सुनती रहूं उसे। सोचती हूँ काला टीका लगा दूं, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। माई, आपको हमारी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना?
हम आपके बारे में नहीं बोल रहे थे। वैसे भी आप कहाँ किसी का बुरा सोचती हैं। यही सोचकर हमें आपके बारे में बहुत बुरा लगता है। इतनी मुश्किलों के बाद माँ बनने का सुख मिला, इतना प्यारा बच्चा मिला है, लेकिन गूंगा। सच में बहुत दुख की बात है। एक गूंगे का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए भी पर उसके माँ बाप के लिए भी। जिंदगी भर का बोझ, पता नहीं तुम ये सब कैसे झेलती हो माई। ऐसा बच्चा होने से बेहतर है तुम निसंतान होती। जिस तरह ईश्वर ने मेरी गोद भरी है, मेरे बच्चे को आवाज भी वही देगा। देखना, एक दिन मेरा बेटा बोलेगा, ये एक माँ का विश्वास है। चार साल हो गए, एक शब्द नहीं बोला। पता नहीं कौन से चमत्कार की आस में जी रही है माई। माई और अन्ना इंतजार करते रहे। उनका बेटा चार साल का हो गया था, फिर भी नहीं बोला। माई और अन्ना ने जगह जगह बच्चे को दिखाया, वैद्यों को, हकीमों को, मंदिर में माथा टेका, मजार पर चादर चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहीं कुछ नहीं हुआ। और देखते ही देखते वो 8 साल का हो गया। यकीन नहीं होता, जिसकी बात सुनते ही सबका दुख दूर हो जाता है, वो 8 साल तक बोला ही नहीं था। लेकिन ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? माई और अन्ना को ऐसा दुख क्यों दिया? लो सुनो, किसने कहा माई दुखी थी? हालांकि माई और अन्ना अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन जब भी वो उसके साथ थे वो कभी दुखी नहीं थे, क्योंकि वो उनके चारों तरफ खुशी की आभा बनकर फैल गया था। सोच रही हो? हमारा बच्चा इतना तेजस्वी है, कभी कभी तो लगता है कि ईश्वर ने जानबूझकर इसे आवाज नहीं दी। आखिर साई ने कब बोला? साई का ये 8 साल का मौन व्रत जब टूटा, तब सबने दिव्यता की चरम सीमा का अनुभव किया।
प्रणाम पंडित जी। बेटा प्रणाम करो पंडित जी को। तुम मुझे प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों पंडित जी? जिसके सामने सारे विश्व को नतमस्तक होना चाहिए वो हमारे नमस्कार का अधिकारी है। हम इसे आशीर्वाद देने वाले कौन होते हैं? मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी विद्या ये कहती है कि इस बच्चे के शब्दों से सारे विश्व का कल्याण होगा। पर ये सच नहीं हो सकता पंडित जी, क्योंकि सच तो ये है कि इसके शब्द कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि ये बोलता ही नहीं। 8 साल में एक शब्द नहीं बोला इसने। नहीं बोल रहा है मतलब अनुभव कर रहा है। जब ये बोलेगा तब इसका एक एक शब्द दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेगा, दुनिया को एक नई राह दिखाएगा। आप इसके उपनयन संस्कार की तैयारी कीजिए, परसों मैं स्वयं आकर विधि पूरी करूंगा। देखना माई का बेटा जरूर बोलेगा, पंडित जी ने कहा है। बेटा अब तुम्हें बोलना होगा, बोलो ओम भवति भिक्षाम देही। मुझे पता था ये नहीं बोलेगा। उपनयन संस्कार के बाद ये हाल है, अब तो बोलने की आखिरी संभावना भी खत्म हो गई। आपका मौन तोड़िए, अब कुछ बोलिए। इस कलयुग में दुनिया को मार्गदर्शन और उपदेश की आवश्यकता है। आवश्यकता है नीतिमत्ता के संस्कारों की, सही और गलत के पहचान की, ईश्वर का सही तात्पर्य समझाने की। दुनिया को ईश्वर के समीप ले जाने का कार्य आपको करना होगा, इसलिए आपको बोलना होगा।
आपको बोलना होगा। बिना बात आप इसे बड़ा बना रहे हैं। इसमें बोलने की काबिलियत ही नहीं है। तू अपने संस्कार करके इसे दीक्षा देकर क्या फायदा? ये कभी बोलेगा नहीं। बेकार में आप अन्ना और माई को झूठी उम्मीद दे रहे हैं। ये बच्चा कोई महापुरुष नहीं है, बदनसीब मूक बच्चा है ये। और ये क्या किसी को रास्ता दिखाएगा? गूंगा है ये, तो खुद दूसरों पर हमेशा निर्भर रहेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। इसमें मैंने जो देखा है वो अगर आप देखेंगे तो इन कटु शब्दों के लिए आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस बालक में दैवी शक्ति है। बस पंडित जी, बस। आप पंडित जी हैं इसलिए हम अभी तक चुप थे, परंतु अभी तुच्छ मूक बालक की ईश्वर से तुलना करके आप धर्म का अपमान कर रहे हैं। बदकिस्मत है और बदकिस्मत ही रहेगा। शांत, शांत। ये बालक सृष्टि का आशीर्वाद है सारे विश्व पर। देखिए, और से देखिए इस बालक को। अपने बारे में अपमान के इतने सारे शब्द सुनने के बाद भी ये बालक कितना शांत, कितना निश्चल है। इसे ना कोई गिला है ना कोई शिकवा। अरे क्रोध तो छोड़िए, इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। इसके मन में कोई बैर नहीं है आपके लिए। ऐसे नेक बालक का अपमान ये सृष्टि कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, माई और अन्ना का पूर्व जन्म का पाप है जो इन्हें वो भुगत रहे हैं। आपकी बाउली है, आपका अपमान नहीं सह पा रही। अज्ञानवश जो कटु शब्द इन लोगों ने बोले हैं, इसके कारण ये सृष्टि इन सबको नष्ट कर देगी। और इन सबको आप बचा सकते हैं, आप बचा सकते हैं। बचा लीजिए इन सबको। इसके लिए आपको बोलना होगा। विश्व को बचाने के लिए आपको बोलना होगा। Oh,
मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति बाल साई के पहले शब्द थे वेद के श्लोक जिसका अर्थ था जिनके पास विद्या तप ज्ञान शील गुण और धर्म इनमें से कुछ भी नहीं वो मनुष्य ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि मृग। ओम अग्नि मिले प्रोहिता यज्ञस्य देवा मृत्विजाम् उतारं रत्नधात्रम् अद्भुत अद्भुत चारु वेद विष्णु पुराण इस सब कंठस्थ है इन्हें और ये है इनके पहले शब्द बालक मूक नहीं था मौन धारण किए था सब देख रहा था ग्रहण कर रहा था सीख रहा था 8 साल तप किया है इससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है यह उस मौन की ही शक्ति थी ये वेद पुराण उपनिषद बोल पाए उपनयन संस्कार वो विधि है जिसमें दीक्षा मिलती है बालक पटु रूप में भ्रमण करने जाता है ताकि जगत के कल्याण का कार्य शुरू कर सके इस बालक से आपने और अन्ना आपने बोलने को कहा किंतु ये नहीं बोला उपनयन के उपरांत मंत्र बोलकर मैंने भी इसे बोलने को कहा फिर भी ये नहीं बोला किंतु ये तब बोला जब जगत कल्याण के लिए इसका बोलना अनिवार्य था ये किसी एक के कल्याण के लिए नहीं समस्त विश्व के कल्याण के लिए बोला इसका मतलब जानती हैं इसका पूरा जीवन मानव के कल्याण में और विश्व के कल्याण में नियोजित होगा साईं बहुत सालों तक तप किया है मैंने ब्रह्म तेज के दर्शन की चाहत में सपने में एक दिव्य प्रकाश देख एक आवाज सुनी जिसने मुझे आपके घर आने को कहा और मैंने आपके घर में साक्षात ब्रह्म का दर्शन किया है धन्य है आप दोनों जिन्हें इस तेजस्वी बालक के आई बाबा कहलाने का सौभाग्य मिला तो बड़ी रोचक और मनोहर कहानी मन करता है कि बस सुनते ही जाए लेकिन कहानी सुनाने वाले को भूख प्यास भी लगती है अब जब तक बायजा मां के हाथ की
भाजी और भाकरी इस पेट में नहीं जाती है। आगे की कहानी सुनाना तो मुश्किल है। अभी बना देती हूँ। किस सोच में गुम है श्रीकांत जी? कुलकर्णी सरकार और सड़क के बारे में सोच रहा हूं। अपमान का घूंट पीकर सरकार चुप नहीं बैठेंगे। हाथ पर हाथ रख के बैठने का समय गया। मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है कि उस फकीर ने ही खाशाबा को यहां बुला लिया है। बड़ा धूर्त है वो। पलायन करने से पहले उसने ये व्यवस्था कर रखी थी कि उसकी अनुपस्थिति में लोग उससे विमुख ना हो, उसकी कथा सुनकर उससे जुड़े रहें। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो क्या सरकार आप उस फकीर के डर से गांव छोड़कर जा रहे हैं? कथा का ही काम। किसी के डर से गांव छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बंबई जा रहा हूँ मैं। बंबई ब्रिटिश सरकार से ये कहने कि वो सड़क निर्माण का कार्य इसी सप्ताह शुरू कर दे। किसी भी हाल में मैं खाशाबा और उस फकीर को नई चाल चलने का अवसर नहीं दे सकता। अवसर तो हमें मिल गया है चैन से रहने का, दो दिन के लिए ही सही। कान खोल के सुन लो, इन दो दिनों में अगर तुम लोगों ने ये पता नहीं लगाया कि वो फकीर कहाँ है और क्या कर रहा है तो मैं तुम को गांव से बाहर कर दूंगा। सरकार समझ लीजिए, पेड़ ही जीवन है। उन्हें काट कर परेशानी बढ़ेगी ना कि हल होगी। बाबा ये सब हमें बताकर कोई लाभ होने वाला नहीं है, बस आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस गांव के सारे फैसले मुखिया जी आचार्य जी लेते हैं। समझ आऊंगा बाबा, आपकी बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। कोई नहीं सुन रहा उसकी बात, उसकी सारी माया विफल हो गई। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात से हो रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो फकीर अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता, करने दीजिए उसको कोशिश। जिस तरह से हमारे सारे पहलवान मिल करके उसको हिला न सके, उसे टस से मस नहीं कर सके, मुझे तो अंदेशा है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं। कल यज्ञ के लिए पेड़ काटे जाएंगे, देखना वो फकीर जरूर आकर कोई न कोई अड़ंगा लगाएगा उसमें। अरे आप चिंता मत करिए, लकड़ियां तो कल हर हाल में कटेंगी। जिसको जो करना है कर ले।
माफ कीजिए बाबा, अब मैं आपको रहने की इजाजत नहीं दे सकता। वो लोग मेरे घर बार पर हल चला देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे अगर मैंने आपको अपने घर में रखा। मुझे माफ कर दो। शिवा, तुम स्वयं से क्यों शर्मिंदा हो? तुमने वही किया जो तुम्हारे परिवार के हित में है। राम जी भला करें। बधाई हो बधाई, धमकी रंग लाई है। शिवा ने उसको अपने घर से निकाल दिया है। अब उस फकीर के पास रात काटने की भी जगह नहीं है। गांव छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है उसके पास। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कल पेड़ भी कटेंगे और यज्ञ भी निर्विघ्न होगा। बड़ा आया था मुझे समझाने, भेज दिया ना उसको उसके रास्ते पे। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। उपनयन संस्कार के दिन उसके दिव्यत्व का परिचय तो सभी को हो गया था। उसका बोलना शुरू करते ही पूरे घर में हर समय उत्सव का माहौल रहता था। लेकिन फिर भी माई तो बस उससे एक ही शब्द बार बार सुनना चाहती थी। बेटा एक बार फिर से बोलना। आए से। गांव के पंडित जी ने उसे रोज शाम देव स्तुति गाने का दायित्व सौंप दिया। साई के मुंह से स्तुति सुनने के आनंद की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र और इतना ज्ञान। असली ज्ञान की बारी तो अब थी।
साई को अपने जीवन का उद्देश्य जानने का वक्त आ चला था और एक दिन सुबह बेटा हम पर तरस खाओ बेटा हम आई बाबा हैं तुम्हारे आप बोझ है बोझ किसी काम में आपसे मदद तो मिलती नहीं और आपकी दवा पानी में हम वैध हकीमों पे पैसे बर्बाद करें बस जितना हो सका हमने किया लेकिन अब नहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अब हम आपको झेल नहीं सकते आप दोनों यहाँ से चले जाइए लेकिन हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में काशी करवट लीजिए वृंदावन जाइए तेरह स्थान है वहां आप जैसों को रहने के लिए लेकिन हमें अब बख्श दीजिए हम जो कर रहे हैं वो हमारा निजी मामला है तू बीच में मत पड़ बच्चा है बच्चे की तरह रह आप लोग जाइए यहां से जब तक आप लोग नहीं जाएंगे तब तक इस घर में सुख शांति नहीं आएगी उस दिन उन वृद्ध पति पत्नी की चिंता में उसने भोजन नहीं किया दूसरों की चिंता में भोजन छोड़ने की आदत साई को तब से है उस घटना ने उसके अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया और कुछ दिन बाद स्तुति के लिए मंदिर जाते समय ये मेरा घर है नहीं, मेरा घर है नहीं मैंने कहा ना ये मेरा घर है नहीं ये मेरा घर है कौन कहता है ये मेरा घर है मेरा है ये रहा ये मेरा घर है नहीं ये मेरा घर है मैं तुझे निकाल के रहूंगा यहाँ से नहीं ये मेरा घर है मेरा आपका बेटा कभी आने में इतनी देर नहीं करता है पता नहीं आज क्या बात हो गई माई अन्ना माई आप लोग चलिए मेरे साथ आखिर हुआ क्या जो मैंने देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकता आप लोग चलिए चलिए
बेटा, तुम ऐसे हवा में और वो प्रकाश, ये क्या कर रहे थे तुम? चिंता कर रहा था विश्वा की। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो देखा, जो समझा, उसके बाद मुझे लगा कि किसी ना किसी को तो विश्वा की चिंता करनी ही होगी। मुझे लगता था कि परिवार हमारे जीवन में प्रेम की सरिता है, दया का सागर है और समुद्रों का समुद्र है जो कभी नहीं सूखता। लेकिन मैंने एक घर देखा जहाँ पर दोनों भाइयों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, निकाल दिया उन्हें अपनी जिंदगी से। जिस खुशी की चाह में उन्होंने पाप किया वो तो उन्हें नसीब ही नहीं हुई। पहले उन्हें अपने माँ बाप दुश्मन लगते थे, अब भाई भाई दुश्मन हो गए। कहाँ पनपती है नफरत? क्यों स्वार्थ में अंधा कर देता है? अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए भी लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते? क्यों गलत को रोकने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ते? ये सब चिंता करने की तुम्हारी उम्र नहीं है बेटा। दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी तो है, तुम अच्छा सोचो। इन सब बातों की चिंता छोड़ दो। आपने सिखाया ना कि अगर बुराई को रोको ना तो बढ़ती जाती है। आपने और आई ने हमेशा दूसरों की चिंता की है, अब मेरे लिए भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का समय आ गया। राम जी से संकेत मिला है मुझे। याद है ना, जब मैं यहां आया था तब मैंने आपसे कहा था साई का जन्म विश्व की चिंता करने के लिए है, इसलिए उस गांव में गया है जहां उसकी ज्यादा जरूरत है। अगर साई ने उस गांव के उद्धार का जिम्मा लिया है तो उसके हाथों उस गांव का उद्धार निश्चित है। बोलो साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। दूर दूर तक फकीर का नामो निशान नहीं है, अब कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। हाँ। इस पेड़ से पहले मुझ पे कुल्हाड़ी चलानी होगी। अगर कुल्हाड़ी चली तो जानता है अंजाम क्या होगा तेरा? क्यों व्यर्थ में अपने प्राणों की बलि देने पर उतारू है? सबके हित में यही है कि तू चला जाए यहां से। क्यों ईश्वर के काम में बाधा डाल रहे हो? आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है भगवान से? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इस धरा से और इस धरा पे रहने वाले उस हर एक जीव से जिसमें प्राण है। लगता है तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, अभी भी वक्त है, हट जाओ नहीं तो ये कुल्हाड़ी तुम्हारे ऊपर चलवा दूंगा।
चलाओ इसको कुल्हाड़ी, आगे बढ़ो। वैसे भी हमें नास्तिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बात है आई, साई की कहानी आज हम नहीं सुनेंगे क्या? सब लोग बहुत चिंतित हैं। पिताजी कह रहे थे कि वो सरकारी काम से बाहर जा रहे हैं। कुलकर्णी सरकार का बंबई जाने का मतलब है सड़क वाली आफत जल्दी आएगी, वो लोग साई की गैर मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी दुकान हमारे घर हाथ से जाएंगे। क्या पता मेरा घर भी बीवा। क्या तुम मुझे कोयला और एक चंदन का टुकड़ा लाकर दे सकते हो? जी। क्या हुआ, तुम लोग मेरा आदेश नहीं मानोगे? हम यहाँ धर्म कर्म के लिए आए हैं, किसी की हत्या के लिए नहीं। थोड़ा सोचिए मुखिया जी, किसी के प्राण लेकर जो पूजा की जाएगी उससे ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे? यही बात इन पेड़ों पर भी तो लागू होती है ना शिवा, इनमें भी जान है, ये सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ एक जगह रहते हैं तो क्या हुआ? इनमें भी हमारी तरह जीवन है, फिर इनके प्राण लेकर की हुई पूजा कौन से ईश्वर स्वीकारेंगे? पेड़ तो करुणा का सागर है, ये खुद धूप में रहकर दूसरों को छांव देते हैं, बारिश में भीग कर आश्रय देते हैं, ठंड में हमें ठंड से बचाने के लिए सूखी लकड़ियां देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, जो हमारे जीवन में इतना काम आए, हमारी जिंदगी में खुशबू और मिठास भरे, उन्हें काट के हम क्या हासिल करेंगे? मुखिया जी, इस फकीर की बातें सुनकर मूर्ख गांव वाले बैल की तरह सर हिला रहे हैं। इसके बातों के झांसे में आए इससे पहले कुछ कीजिए। लठा जाओ, मिट्टी के माधव की तरह खड़े क्यों तुम लोग? जाओ चलाओ कुल्हाड़ी। यज्ञ के लिए हमें लकड़ी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे। बत्तमीजी है मुखिया जी, माफ कर दीजिए हमें, अगर ये फकीर इंसान होता तो हम आगे बढ़ते, मगर ये मायावी है, हम इसके मुंह नहीं लगना चाहते। मत सोचना कि तू जीत गया, यज्ञ तो होके ही रहेगा। साई, साई।
ये आप क्या कर रहे हैं? कोयले को घिस के सफेद कर रहा हूं। कोयला घिसने से कभी सफेद हुआ है भला? आप उसे जितना घिसेंगे वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सच में? और चंदन? चंदन घिसने से खुशबू फैलेगी। जितनी खुशबू चंदन से आती है उससे कहीं ज्यादा उसमें समाई हुई होती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब कोयला घिसने का कोई फायदा नहीं? फिर तो हमें चंदन घिसना चाहिए, है ना? यही बात तो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क का मसला कोयला है, और साई का नाम चंदन। आप सब चंदन घिसो, कोयला घिसने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। साई अनंत, साई कथा अनंता। तो चलिए साई की कथा आगे बढ़ाते हैं। उसकी बातों ने माई को झकझोर के रख दिया था। इकलौता बेटा जब विश्व की चिंता की बात करे तो माई की मनोवस्था क्या होगी, ये आप समझ ही सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे माई की चिंता बड़ी होती गई। माई जहां कहीं भी जाती, जो कुछ भी करती, वही बात उनके मन में घूमती रहती थी। और जरा सा भी आंखों से ओझल हो गया माई डर जाती थी। अब समय आ गया था श्री कृष्णा के गोकुल छोड़ के जाने का। यशोदा माई तो आखिर माँ थी, संसार के लिए श्री कृष्ण विष्णु का अवतार होंगे, लेकिन यशोदा माई के लिए तो वो उनका कान्हा ही था ना, उनका लल्ला ही था ना। कान्हा के दूर जाने के नाम से ही उनका मन व्याकुल हो जाता, आंखों से यमुना बहने लगती। किसी के समझाने का उन पर कोई असर नहीं था। तुमने मेरे बच्चे को देखा? नहीं देखा मैं। भाव, तुमने मेरे बच्चे को देखा? धैर्य रखो माई, आपका बेटा इतना छोटा नहीं कोई उसे उठाकर लेके चला जाए। लेकिन अगर खुद से चला गया तो?
आई, मैं यहाँ हूँ। मेरी नजरों से ओझल होकर कहाँ गया था तू? वो आजी अजोबा है ना, उन्हें फल देने गया था। फिर वचन दे मुझे, तू मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा, दे वचन। वचन दे मुझे, नहीं जाएगा ना। यशोदा माई के मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उन्हें अपने बेटे से अलग होना पड़ेगा। चल, नहीं। हाँ हाँ चल, तू छोड़ दे मुझे, नहीं। चल, तेरा भूत तो क्या, तू चल, छोड़, चल, छोड़ दो, चल। देख, अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ मौला तोड़ दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा, मुझ पे विश्वास रखिए। ये तो कब से सुन रहा हूँ मैं, जल्दी करते करते आज तूने देर कर दी है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए इनसे। आप मेरे कैसे बचाइए, आप मेरी बात सुनिए, मुझे इनसे बचाइए, मुझे मदद कीजिए मेरी। तेरे 2 रुपए लौटा वरना। मत मारिए इसे, मत मारिए इसे। इसे तो मैं तभी छोड़ूंगा जब ये मेरे 2 रुपए लौटाएगा, वरना आज इसके हाथ पर तोड़ के जाऊंगा मैं। इसे माफ कर दीजिए बेटा, चाहे मेरी जान ले लीजिए, पर इसे चोट मत पहुंचाना। मेरे पास बस ये मंगलसूत्र है, इसे ले लो, ये 2 रुपए का तो होगा। काशी करवट लीजिए, वृंदावन जाइए, 13 स्थान है वहां आप जैसों को रहने के लिए, लेकिन हमें अब बख्श दीजिए। लोग तब भी देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं, लेकिन काम तो परिवार ही आया ना। आप दोनों इतने दिन कहाँ थे? हम लोग गांव के बाहर एक खंडहर में रहते हैं, तुम दोनों की इच्छा अनुसार, तुम दोनों से दूर।
इसीलिए कभी सामने नहीं आए, लेकिन हाँ कभी कभी पेट भरने इस गांव में आ जाते हैं भीख मांगने। थोड़ा खाने को मिल जाता है, जीवन बसर हो जाता है। आज ये बच्चा हमें वहीं से ढूंढकर यहाँ लेकर आया। आप अपना मंगलसूत्र मत दो आई, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और आप फिर भी। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करना कभी नहीं छोड़ते। मैं ये मंगलसूत्र देती हूँ, इसे ले लीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। नहीं आई। आप अपना मंगलसूत्र मत दीजिए, इन्हें इनके पैसे मैं देता हूं। आइए आजोबा। उस दिन आपने कहा था कि आपके माता पिता किसी काम के नहीं, लेकिन आज आपके जरूरत के वक्त पर आपकी आई अपना मंगलसूत्र देकर आपको बचा रही थी। जिन माँ बाप को आपने घर से निकाल दिया, वो आज भी आप दोनों से कितना प्यार करते हैं वो आपके सामने है। आप सोच रहे थे कि आप सब संभाल सकते हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, शायद इसलिए आप दोनों भाई अलग हो गए। लेकिन आप अपने माँ बाप के बिना अपनी गृहस्थी नहीं चला सके और कर्जे में डूब गए। लोग तब भी देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं, लेकिन काम तो परिवार ही आया ना। आप तो अहम और ईशा छोड़ दीजिए और वापस एक हो जाइए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे भी माफ कर दे। हमें माफ कर दीजिए आई बाबा। डर तो दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये या तो लोगों की मदद करता है या तो ध्यान में लगा रहता है, ये मेरे हिस्से में तो आता ही नहीं। ये औरों से अलग है। ईश्वर का खास बंदा है ये। ऐसे लोगों की कुछ दिन की संगति भी जीवन को तारने वाली होती है।
अभी हमारे साथ है। यही बड़ी बात है। सौभाग्यवती भव, ये क्या कह दिया बेटा? ये देखो, इसके पति की अंतिम यात्रा जा रही है। कई दिनों से बीमार थे इसके पति, बहुत इलाज करवाया इसके घर वालों ने, पर क्या करें, जो होना था वो तो होकर रहेगा। वेद जी ने तो इन्हें मृत घोषित कर दिया है, पर ये उनकी पत्नी मान ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से इसकी अर्थी उठी है और तुम इसे झूठी उम्मीद दे रहे हो। मैंने जो कहा वो मेरे शब्द नहीं थे। ध्यान करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे राम जी मुझे आदेश दे रहे हैं। अगर मेरे मुंह से उनके शब्द निकले हैं तो मुझे यकीन है राम जी का कहना सच होगा। सुना सुना अपने, ये बालक भी बोल रहा है। कहते हैं बच्चों के मुंह से बहुत बार भगवान बोलते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए बाबूजी। तुम छोटी उम्मीदों का दामन थाम रही हो बहू, तुम्हें सच को स्वीकारना होगा। शास्त्रों में हर चीज के नियम होते हैं। अंतिम यात्रा के समय अगर ढील बरती तो मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। संभालो बहू, अपने आप को संभालो। ले जाओ इसे। नहीं, नहीं बाबा। रुकिए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, इन्हें मत ले जाइए। अरे इन्हें मत ले जाइए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, मेरी बात सुनिए, कोई रोकिए इन्हें। मेरी बात सुनिए, इन्हें मत ले जाइए, ये जीवित है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए काका, ये सब रुकवा दीजिए। हम किसी जीवित इंसान को नहीं जला सकते। रोकिए ये सब काका, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पंडित जी ने समझाइए, रोकिए ये सब काका, काका ये सब रोक दीजिए। ये अभी जीवित है, इन्हें मत जलाइए। रोकिए ये सब, रोकिए काका, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जीवित है, ये सब रोकिए, आप इन्हें नहीं जला सकते। पंडित जी समझाइए। ये बालक क्रियाक्रम में विघ्न डाल रहा है, हटाइए इसे। बेटा, उसे मेरे ही बेटे की अर्थी मिली तमाशा करने के लिए। काका, 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 मेरी बात सुनिए, आप इन्हें नहीं चला सकते। ये अभी जीवित है,
काका मेरी बात सुनिए, काका मैं किसी जीवित इंसान का क्रियाक्रम नहीं होने दूंगा, मैं नहीं हटूंगा। पंडित जी आप विधान आरंभ कीजिए। आप लोग देख क्या रहे हैं, हटाओ उसको वहां से। मैं नहीं हटूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगा, नहीं मैं नहीं हटूंगा, मैं किसी जीवित इंसान का क्रियाक्रम नहीं होने दूंगा। छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं नहीं हटूंगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब रोको, आप किसी जीवित इंसान को नहीं चला सकते, छोड़ो मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम जाइए, मत चलिए, मेरे पति जी हैं, बाबा मत चलिए। जय श्री राम। तो वो जीवित है। क्या कर रही हो? नहीं वो जीवित नहीं है। जीवित है वो दादा, तो मत कीजिए। मर चुका है। धन्यवाद बेटा, तुमने
सच कहा था बेटा, तुमने आखिरी पल तक मंत्रोच्चारण करके मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने कुछ नहीं किया है काका, इनमें प्राण बचे थे। मैं तो बस ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था, अगर ध्यान के समय मेरे मुंह से ऐसा वरदान दिलवाया है तो राम जी उसका मान रख लें। हो सकता है उस आदमी की सच में मृत्यु ना हुई हो, बीमारी के कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की अवस्था में चला गया हो और वैद्य ने उसे मृत घोषित किया हो और फिर आग के लपटों ने जैसे ही उसके शरीर का स्पर्श किया उसमें चेतना वापस आई हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साई ने सच में उस व्यक्ति में जान फूंक दी हो। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन उस चमत्कार को लगभग पूरे गांव ने देखा और गांव वालों के साथ साथ उस चमत्कार को किसी और ने भी देखा था। अन्ना, आपका बेटा गांव के लिए सचमुच में वरदान है। पूरे गांव की चिंता करता है, ये ना हो तो ना जाने हमारा क्या होगा। भिक्षाम दे। भिक्षाम दे। शाम दे। माई, तुम जा क्यों नहीं रही हो भिक्षा लाने? फकीर बाबा भिक्षा मांग रहे हैं। रुकिए बाबा, रति भिक्षा लेके आओ। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो यही है। भिक्षा में मुझे आपका बालक चाहिए। We'll be right back.
मैं इस बालक को अपने साथ ले जाने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कोई वस्तु नहीं, हमारा बेटा है। भिक्षा में इसे कैसे मांग सकते हैं आप? यह बेटा सिर्फ आपका नहीं है, पूरे विश्व का है, पूरे ब्रह्मांड का है। मानवता की सेवा के लिए, जीवों की मदद के लिए इसका अवतरण हुआ है इस धरा पर। मैं इसे इसके मंजिल तक पहुंचा सकता हूं। उस ऊपर वाले की अमानत अब तक आपके पास थी, आपने इसे पाला, पोसा, बड़ा किया। अब समय आ गया है कि आप अपने वचन को पूरा करें। हम हमेशा धर्म के मार्ग पे चले हैं। हम वचन देते हैं कि हमारी संतान भी उसी मार्ग पे चलेगी। अगर आपने हमारे संतान की आस पूरी कर दी तो हम उसे भी प्रकृति के कल्याण के लिए अर्पित कर देंगे। आप इस बालक को हमेशा हमेशा के लिए सृष्टि की सेवा के लिए मुझे सौंप दीजिए। अपने बेटे को ऐसे किसी को दे देना एक माँ के लिए आसान होता है क्या? और वो भी साई जैसा विलक्षण बच्चा। हमेशा के लिए दूर होना कैसे मुमकिन है माई और अन्ना के लिए? साई से कुछ दिन दूर रहकर हमारी ये हालत है। बस उसके वापस आने की आस ने हमें बांधा हुआ है। यही तो बात है, हम कभी कभी उस पर अधिकार जमा बैठते हैं जो पूरे विश्व का है।